और चलिए लंच टाइम में अब सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्र रक्षा के संकल्प की, जो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही है। भारत ने लद्दाख में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाना शुरू कर दिया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बन रहा यह एयरफील्ड दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड में से एक है। यहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकेंगे। चीन से इस एयरबेस की दूरी महज 35 किलोमीटर है। कल रक्षा मंत्री न्योमा एयरबेस का शिलान्यास करेंगे। चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक। लद्दाख के न्योमा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद भारत ने चीन को एक बड़ा संदेश दिया है। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस परियोजना का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 12 सितंबर को जम्मू के देवक ब्रिज पर करेंगे। LSC पर चीन से लगातार चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। इस एयरफील्ड से न सिर्फ चीन पर सीधी नजर रखी जा सकेगी बल्कि उसके किसी दुस्साहस का तत्काल माकूल जवाब दिया जा सकेगा। इस एयरफील्ड के बनने से न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, किसी भी संकट से निपटने के लिए उसका रिस्पांस टाइम भी काफी कम हो जाएगा। ऐसे में समय रहते दुश्मन को सबक सिखाया जा सकेगा। 13,700 फीट की ऊंचाई पर चीन की नजरों से दूर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा। न्योमा एयरबेस से चीन सीमा की दूरी महज 35 किलोमीटर है। लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए 2.7 किलोमीटर लंबा कॉन्क्रीट रनवे बनाया जा रहा है। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिहाज से ये एयरबेस इसलिए अहम है क्योंकि यहां से लड़ाकू विमान ऑपरेट किए जा सकते हैं। यानी एयरबेस बनने के बाद राफेल, सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का रिएक्शन टाइम बेहद कम होगा। फिलहाल लद्दाख में 2 एयरबेस हैं, लेह और प्रतापपुर। यहां से लड़ाकू विमान ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन ये एयरबेस चीन की सीमा से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। जबकि पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग, ओल्डी, फुकची और न्योमा जैसे 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहां से चीन की सीमा बहुत करीब है। चीन से लगी सीमा होने से ये लैंडिंग ग्राउंड रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। अप्रैल 2020 में चीन के साथ सीमा पर झड़प हुई थी तो उसके बाद सीमा पर सेना की तैनाती को लेकर वायुसेना ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। सेना की जरूरत के मुताबिक साजो सामान और जवानों को बॉर्डर पर भेजा गया था और ये सब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और चिनूक हेलीकॉप्टर की वजह से मुमकिन हुआ था। चीनी सीमा से न्योमा की दूरी 35 किलोमीटर है, हुकचे से 14 किलोमीटर और BDO से महज 9 किलोमीटर है। फिलहाल इन लैंडिंग ग्राउंड पर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। C-130 से लेकर C-17 एयरक्राफ्ट और चिनूक व अपाचे हेलीकॉप्टर जरूरत पड़ने पर हर ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। पूर्वी लद्दाख के इसी न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल अब एयरबेस के तौर पर किया जा सकेगा। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से ही किया जा रहा है। चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच इसे सैनिकों और सैन्य साजो सामान के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सेना के चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130J विशेष विमान का संचालन भी हुआ है। लेकिन अब न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड किया जा रहा है, यानी अब ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से एयरबेस में तब्दील किया जा रहा है। उम्मीद है कि न्योमा एयरफील्ड 2023 के अंत तक फाइटर जेट की उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। इसके ऑपरेशनल हो जाने के बाद सेना के जवानों से लेकर हथियारों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। साथ ही चीन पर न सिर्फ पैनी नजर रखी जा सकेगी बल्कि चीन के किसी भी दुस्साहस का फौरन जवाब दिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू में आज से 3 दिन का टेक संगोष्ठी आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना, शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित किए जा रहे संगोष्ठी में 50 स्टार्टअप समेत 250 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कंपनियां कठिन इलाकों में सैनिकों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित अपने सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल यानी 12 सितंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
We understand that, you know, mega symposium is being organized here. For the benefit of our viewers, tell us the main highlight of this symposium this year. This is the first time ever that in Jammu and Kashmir, we are having the academia, the industry and the military coming together and organizing this kind of a symposium. Firstly, this is an indicator of the normalcy which we are able to arrive at here. Secondly, we are also looking at, can Jammu and Kashmir develop an ecosystem to encourage such kind of industries coming here and carrying out the production. और अब बात मौसम की, जिसका खुशनुमा एहसास दिल्ली वाले जमकर कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में पिछले दो दिन से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी और चलने वाला है, लिहाजा लोगों को गर्मी और उमस से राहत रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले दो दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। शनिवार और रविवार को राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के कारण सड़कों पर कड़ी सुरक्षा थी, तो आसमान में लगातार बादलों का डेरा बना रहा। दिल्ली में शुक्रवार तक लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन शनिवार से मौसम का मिजाज बदला और तापमान में गिरावट आई। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश से मौसम खुशगवार बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास 16 सितंबर तक वर्षा हो सकती है। इसके कारण दिल्ली के तापमान में कमी भी रहेगी, हालांकि मंगलवार से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 12 से 14 सितंबर के बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा समेत उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी रविवार को कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने अभी और भारी बारिश की आशंका जताई है। अभी सिस्टम जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल एमपी पर ही है, जिस कारण से अभी खासतौर से अपने बेस्ट एमपी में कहीं कहीं पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और बारिश भी वहीं पे होने की संभावना मैक्सिमम प्लेसेस पे। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और आम लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे ही हालात झांसी में भी नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण जहां मौसम सुहावना हुआ है और गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो साथ ही साथ जगह जगह पानी भरने से दिक्कतें भी हो रही हैं। मुरादाबाद से जगत गौतम और झांसी से प्रमोद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में इन दिनों बादलों का पहरा है, कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कहीं पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम की नीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। ऐसा ही नजारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, बादलों ने एक बार फिर से पहाड़ों का रुख कर लिया है और लगातार बारिश के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की नीति घाटी की हैं, जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। दूर तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादरों में लिपटे नजर आए। दरअसल चमोली में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई, जिस इलाके में तापमान नीचे चला गया है और सर्द हवाएं चलने लगी हैं। निचले इलाकों में तो हाल ये है कि मानो ठंड ने दस्तक दे दी हो। मौसम के बदले मिजाज का असर अगर किसी पर नहीं पड़ा है तो वो है बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम का ये मंदिर भक्तों से अब भी गुलजार है। मौसम के बदलाव से श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। केदारनाथ धाम का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। शनिवार से ही पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर केदारनाथ धाम में भी दिखा। यहाँ लोग अलाव तापते नजर आए, लेकिन केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लगातार बारिश और ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम भक्तों से गुलजार है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो मौसम देखकर ही यात्रा पर निकलें।
बर्फबारी की तस्वीरें उत्तरकाशी से भी आई हैं। सफेद बर्फ का श्रृंगार गंगोत्री धाम की पहाड़ियों ने भी किया है। सीजन की इस पहली बर्फबारी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित उसके आसपास 4000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर छुट्टी मिली तो दिल्ली वाले सैर सपाटे को निकल गए। इसका बड़ा फायदा शिमला के पर्यटन कारोबार को हुआ। शिमला में प्राकृतिक आपदा के बाद अब वहां पर्यटन कारोबार को पटरी पे लाने की कवायद जारी है। यह है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ की हसीन वादियाँ तो लोगों को हमेशा से लुभाती रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ आई प्राकृतिक आपदा के चलते जैसे सब कुछ वीरान सा हो गया था, लेकिन अब यहाँ एक बार फिर बहार दिखाई पड़ रही है। बच्चे बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक यहाँ के खूबसूरत नजारों और मौसम का दीदार करते नजर आ रहे, और इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन रहा। इस बड़े इवेंट के चलते दिल्ली में छुट्टियां पड़ी तो बड़ी संख्या में लोगों ने हिमाचल प्रदेश, खासकर शिमला का रुख किया, और ये चहल पहल उसी का नतीजा है। G20 के चक्कर में दिल्ली बंद है, ऑफ है, तो जाहिर सी बात है ऑफिसों की भी छुट्टी है, तो इसलिए हम भी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे घर वालों ने हमको कहा कि आप मत जाइए, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम जाएंगे क्योंकि हमारी छुट्टियां हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो फिर जब हम यहाँ आए हमने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक नॉर्मल ही है। शिमला बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम यहाँ पे 7th को आए थे मॉर्निंग में, हम 12th को यहाँ से जाएंगे। प्राकृतिक आपदा की मार के चलते यहाँ के पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक हुई G20 सम्मेलन ने जैसे संजीवनी का काम किया है। यहाँ पर्यटकों के पहुँचने से हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन बेहद खुश है। उन्हें शिमला में होने वाले फ्लाइंग फेस्टिवल के प्रचार प्रसार करने का ये अच्छा मौका मिल गया। देखिए शिमला में जो है रिवाइवल ऑफ द टूरिज्म इज ऑलरेडी देयर, वो शुरू हो चुका है, और हम कई प्रकार के फेस्टिवल्स को डिजाइन कर रहे हैं। जैसे अभी अब हम 27 सितंबर जब वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है तो हमारी एसोसिएशन कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसमें हम पर्यटकों को जो है वो अपने यहाँ की जो हिस्टोरिक धरोहर है उनसे रूबरू कराएंगे, एडवेंचर पे बात करेंगे और पैराग्लाइडिंग वगैरह पे उनको लेकर जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का अवेयरनेस करेंगे। तो ये एक हमारा ये भी एक पार्ट है जो कि प्री फेस्टिवल जो हमारा फ्लाइंग फेस्टिवल होना है, ताकि लोगों को अभी से अवेयरनेस हो जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शिमला में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। 12 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल के तहत पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसे लेकर रिज मैदान पर एक डेमो भी दिया गया। यहाँ पर काफी भीड़ हो चुकी है शिमला में, तो इसलिए हम डेमो दे रहे हैं इस चीज का पैराग्लाइडिंग के लिए, तो इससे लोगों को पता लगे कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है शिमला में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है अभी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है टूरिस्टों को ना, इससे टूरिज्म में बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत अच्छा मतलब फर्क पड़ेगा। भीषण बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं के बाद शिमला में आवाजाही की व्यवस्था दुरुस्त होने के साथ ही अब पर्यटन कारोबार धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिख रहा है। यहाँ फ्लाइंग फेस्टिवल के अलावा म्यूजिक के साथ आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल जैसे आयोजन भी होंगे, ताकि पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिल सके। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात G20 शिखर सम्मेलन की, जिसके सफल आयोजन पर दुनिया भर में हिंदुस्तान की तारीफें हो रही हैं। इस आयोजन के बाद भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनकर सामने आया है, और यही वजह रही कि कार्यक्रम के शानदार समापन के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी फिर से भारत मंडपम पहुंचे। पीएम ने वहां मौजूद कर्मचारियों, कलाकारों और पत्रकारों से मुलाकात की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आभार जताया। लोक और पारंपरिक कला में समाहित भारत की विविधता तो डिजिटल इंडिया के साथ विकास की शानदार उड़ान। दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेहमानों को परंपरा से लेकर प्रगति तक हर कदम पर भारत की दबंग पहचान से रूबरू कराने की कोशिश की गई। दो दिन लगातार चले G20 शिखर सम्मेलन के शानदार आयोजन की व्यस्तता से
फारिग होने के बाद खुद पीएम मोदी ने भी भारत मंडपम में आर्ट्स एंड क्राफ्ट पवेलियन जाकर देश के कोने कोने की कला धरोहरों का दीदार किया और दुनियावालों के सामने देश का गौरव बढ़ाने वाले कलाकारों से मुलाकात और बात की। पीएम ने इस दरमियान भारत मंडपम में लगे डिजिटल इंडिया पवेलियन का भी रुख किया। यहाँ विदेशी मेहमानों के लिए भारत के डिजिटल सफरनामे की झलक पेश की गई थी, ताकि दुनिया के देश ये जानें और समझें कि किस तरह से डिजिटल क्रांति के जरिए भारत में बदलाव आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के भव्य आयोजन से देश का गौरव बढ़ा, तो साथ ही साथ एक बार फिर पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की झलक भी दिखी। 18वें G20 सम्मेलन के सदस्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ, कई एशियाई और अफ्रीकी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के इस महामेले का आयोजन आसान नहीं था। लंबे समय से चल रही तैयारियों के बाद आखिरकार ये महासमागम सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंच गया। इसके बाद पीएम मोदी रविवार शाम को एक बार फिर खुद भारत मंडपम पहुंचे और वहां तैनात कर्मचारियों और वॉलंटियरों से मुलाकात की, सबका शुक्रिया अदा किया। G20 शिखर सम्मेलन का समापन होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भी पहुंचे। पीएम मोदी ने मीडिया सेंटर में घूमते हुए दुनिया भर से आए पत्रकारों और संवाददाताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन की खुशी पीएम के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। G20 सम्मेलन ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाई है और अगुवाई के लिए भारत की नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। सम्मेलन के बाद भारत मंडपम आकर लोगों से मिलते जुलते पीएम मोदी ने हर उस शख्स का आभार जताया जिसने किसी न किसी रूप में इस कामयाबी में अपना योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोरक्को में आए 6 दशक के सबसे भीषण भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। भूकंप के कारण ऐतिहासिक शहर मार्केश और उसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके मकानों में फंसे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। बड़े बड़े औजार और रस्सियों के जरिए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन मलबा काफी होने से राहत और बचाव टीम के काफी सदस्यों को मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच यहाँ की सरकार ने बचाए गए लोगों को कैंप्स में शिफ्ट किया, जहाँ उन्होंने खाने पीने के सभी इंतजाम किए। इस मुश्किल घड़ी में कई देशों ने मोरक्को की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।